साइलेंट गरबा के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि गरबा इट्सेल्फ इज अ फन एंड हम लोग तो देखते हैं कि गरबा कब आए और हम लोग को बुलाया जाए और हम पब्लिक से मिले और स्पेशली द साइलेंट गरबा इज अ वेरी यूनिक आइडिया जो दर्शन जी ने निकाला है और मुझे लगता है कि मतलब मैंने एक ही सुना था डिस्को है जो वर्ल्ड में कहीं पे जो साइलेंट डिस्को है जिसमें है बट इंडिया में आई थिंक दिस इज द ओनली फर्स्ट टाइम दिस 2 इयर्स बैक वी हैव इंट्रोड्यूस दिस नाउ विद द इनोवेटिव थिंग इट इज गोइंग टू बी लाइव दैट सी दैट पीपल आर सिंगिंग ओवर देयर एंड इट विल बी डायरेक्टली बी आउटपुट विल बी गोइंग इन दैट फॉर्म लाइक दैट सो अमेजिंग थिंग एंड मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है तो नॉइस पोल्यूशन नहीं है पुलिस को बंद कराने की जरूरत नहीं क्योंकि बाहर आवाज ही नहीं जाती है सो वी कैन प्ले ऑन एंड ऑन सो आई लव द आइडिया एंड थैंक्स टू दर्शन जी ऐसे बहुत सारे गरबाज हाँ बहुत सारे बड़े आई बिलीव दैट वे ऑर्गेनाइजर तो ऑफकोर्स अप्रिशिएट होते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग अ शो इज द बिगेस्ट थिंग इतने लोगों को बुलाना उनको मेंटेन करना इतनी चीज़ें अरेंज करना मैं समझ सकती हूँ कितना भारी काम होता है लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी कि जिन्होंने ये इनोवेट किया जिन्होंने ये आइडिया सोचा तो आइडिया की कमाई है सो आइडिया इज द बेस्ट आई लाइक इट I am a die-hard fan of Silent Garba. Last year I came here and that day I decided that no, next year to yahan pe jana pakka hai. Kuch koi bulaye na bulaye, I'll contact them and I'll go. I'm a die-hard fan. I love this concept very much. Actually. When you put this on, you are in a complete different zone, perfectly different zone, and I feel lost. It takes courage to start something basically and starting this something concept. Creative and something new. Definitely judni chahiye aur judegi. Jud rahi hai. There are people, the crowd, look at the crowd, amazing. Aur ye sabse bada plus point hai ki isme noise pollution nahi ho raha hai. That is the only main point of this live what साइलेंट गरबाइज सेम नहीं थोड़ा सा फर्क पड़ता है बिकॉज दैट इज लाउड म्यूजिक एंड दैट इज धम 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 तो उसमें जो नो व्हाट इज देयर स्टेप्स नीचे जो घूमके लेते हैं वो दैट इज डिफरेंट एंड इसमें यू आर इन योर ओन वर्ल्ड यू डांस एज पर योर यू नो द थिंकिंग एंड योर स्टेट ऑफ माइंड एंड योर प्रेजेंस Sorry, pardon? This is for the first time I'm here. So I think I'll experience it more. But I liked it, of course. It's a very different concept. Hai, and I think people will enjoy it. Thank you. तरीके से नए नए कानून आ रहे हैं नए नए रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं आपको गवर्नमेंट के हाथ से भी सारी चीज़ें निकल गई और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का ये मैटर जा चुका है कुछ ज़माने पहले जब मुंबई शहर या सारे देश में जब गरबा हुआ करता तो 4 बजे तक का कोई दिक्कत नहीं थी पॉपुलेशन भी कम थी अब पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा हो गई है तो मेरे ख्याल से जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उसका यूज़ होना चाहिए और टेक्नोलॉजी का सही यूज़ मेरे ख्याल से यहाँ हो रहा है कि जिनको इन्जॉय करना है वो इन्जॉय भी कर रहे हैं और बाकी किसी को तकलीफ भी नहीं है 100% अप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि मतलब जो संस्कृति उसको भी कायम रखे हैं कल्चर भी जिंदा है लोग इंजॉय भी कर रहे हैं और कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजर को तो 10 out of 10 देना चाहिए मैं मिसेस भावना मर्चेंट हूँ और साइलेंट गरबा बहुत ही सुंदर और यूनिक चीज़ है जो मुंबई में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है मैं चेतना बेन और दर्शन भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी ये यूनिक चीज़ शुरू करने के लिए क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें मुझे खासियत ये लग रही है कि एक तो अरेंजमेंट बहुत ही सुंदर है और दूसरा ये इको फ्रेंडली है इको फ्रेंडली मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये नॉइज़ को बिल्कुल साइलेंट गरबा है जैसे कि इसका नाम है तो यहाँ नॉइज़ का बिल्कुल नाम ही नहीं है सब अपनी अपनी धुन में अपने अपने म्यूज़िक पे डांस कर पाते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर हेडफोन में 3 तरह के चैनल्स हैं जिसमें आपको आपकी चॉइस का म्यूज़िक मिलता है
तो हर एज ग्रुप के लिए ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है और हर लेडी है या जेंटलमैन है या बच्चे हैं, सभी अपनी अपनी तरह से अपना टेस्ट का म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं और बिल्कुल साइलेंटली. ना तो ये एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है, ना नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है, जो आज के लिए बॉम्बे की सबसे बहुत बड़ी समस्या है. सिर्फ बम्बई के लिए नहीं, पूरे देश के लिए नॉइज़ पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको ये साइलेंट गरबा के इतने नॉवेल कॉन्सेप्ट के साथ लाने के लिए मतलब बहुत मेहनत आई एम श्योर इस टीम को करनी पड़ी होगी. और काफ़ी सब जमा जो हो रहे हैं और लेट नाइट तक जो बॉम्बे फेमस है, बॉम्बे रात भर सोता नहीं और बॉम्बे को लेट नाइट तक कुछ प्रोग्राम चाहिए है या डांस करना है या गरबा करना है, जो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमारी डेडलाइन है 10 बजे के बाद हम नहीं कंटिन्यू कर सकते. तो ये एक इतना वेलकमिंग स्टेप है बॉम्बे के लिए और आई एम श्योर जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे और ये लोग हर साल इसको इम्प्रूव होता जाएगा, लोगों को पता चलता जाएगा और ये सबसे हिट कॉन्सेप्ट बॉम्बे में होगा क्योंकि नॉइज़ को ये अवॉइड करता है, नॉइज़ पोल्यूशन से बिल्कुल परे है और कोई डेडलाइन नहीं है और म्यूज़िक की इतनी वास्ट चॉइस है आपके लिए. तो आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर. मैं साउथ बॉम्बे में रहती हूँ और वहाँ से स्पेशली इस गरबा के लिए यहाँ 1.5 घंटा ड्राइव करके आई हूँ एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर. आई एम एक्साइटेड टू एंजॉय दिस न्यू कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर चेतना जी लेकर आई हैं. कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. थैंक यू सो मच.